गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गोविंद का अर्थ ईश्वर श्री कृष्ण, तो कैसे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? गुरु तो गुरु है और गोविंद श्री कृष्ण का एक नाम है, वो दोनों ही सामने हैं, किसके पांव लगूं? शिष्य के मन में दुविधा है। बलिहारी गुरु आपने, गुरु आपकी बलिहारी है जिन गोविंद दियो बताए, उन्होंने इशारा कर दिया गोविंद के पैर लगो। सीधा सा सरल सा अर्थ है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने हैं, मेरे मन में संदेह है किसके पैर लगूं, किसके सामने सिर झुकाऊं। बलिहारी गुरु आपने, गुरु आपकी बलिहारी है, मेरे संदेह को दूर किया। कैसे किया? गोविंद देव बताए, गोविंद की तरफ इशारा कर दिया, गोविंद के पैर लगो बस। और आप कहते हैं ईश्वर नहीं है, यह प्रश्न है। बुद्ध को गुरु नहीं कहा गया, उपनिषद की परंपरा में गुरु और शिष्य होते थे, लेकिन वह दौर जब एक बार बीता, और थोड़ा ध्यान दें, उपनिषदों का दौर बीता और जब पुराणों का युग आया, तो पुराणों में भगवान और भगत, बस इन दोनों की चर्चा है। वहां गुरु क्या बताएंगे? यही कि भगवान को पूजो। तीसरा दौर फिर कबीर साहब का आता है, उनके समय तक गोविंद की बड़ी महिमा थी, ईश्वर की महिमा स्थापित हो चुकी थी। कबीर साहब का महत्व इस बात के नाते नहीं है कि उन्होंने ईश्वर की भक्ति सिखाई, कबीर साहब का महत्व इस बात को लेकर के है कि उन्होंने गुरु को ईश्वर के समकक्ष स्थापित किया। थोड़ा सा समझें, कबीर साहब ऐसे भगत नहीं हैं जो भगवान को रिझाने में लगे हुए हैं, उनका महत्व इस बात को लेकर के है कि उन्होंने भगवान के समक्ष, भगवान के समकक्ष गुरु को खड़ा किया, गुरु को स्थापित किया। और उनका जो प्रवर्तित संतमत है, उसमें इसीलिए गुरु को मूल्यवान बताया गया है बजाय कि ईश्वर के। यहां सदगुरु जो कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े,
वो ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर है और तुम उसकी पूजा में लग जाओ। यहाँ पर साहेब जिस चीज को स्थापित कर रहे हैं वो ये कि ईश्वर तो पहले से स्थापित है, उसके तो मानने वाले वैसे भी बहुत हैं, लेकिन पहला नाम उन्होंने लिया कि गुरु। गुरु खड़े हैं गोविंद के साथ, मैं गुरु को स्थापित कर रहा हूं गोविंद के साथ। कबीर का मूल्य इसी बात को लेकर के है कि वो परमात्मा की भक्ति को छुड़ा करके गुरु भक्ति तक लाते हैं, और गुरु भक्ति भी एक दिन उनकी आत्म अनुसंधान में बदल जाती है। कबीर के पहले जो भक्ति ईश्वर की थी वहां से कबीर छुड़ाते हैं, उस भक्ति को गुरु तक लाते हैं, और फिर वह एक दिन आत्मभक्ति में बदल जाती है। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि गोविंद की भक्ति करो, यहां थोड़ा सा समझिए चीज को। बलिहारी गुरु आपने, गुरु आपकी बलिहारी है, बलिहारी माने प्रशंसा। बलिहारी कैसे होते हैं जानते हैं? जब कोई किसी की बलिहारी लेता है तो अपने दोनों हाथ सामने वाले के सिर के पास लाता है और उसको गोल गोल घुमाता है और अपने सिर के पास वापस लाता है। तुम्हारा दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा कष्ट मैं लेता हूं। बलिहारी का अर्थ ऐसे होता है, इसको और थोड़ा सा साफ कहें तो ये जो आपके यहाँ ब्याह में या बच्चों के जन्म में हिजड़े आया करते हैं ना, तो कैसे हाथ घुमाते हैं और हाथ घुमा करके बच्चे के सिर को सहलाते हैं और अपने सिर के पास लाते हैं हाथ, वह है बलिहारी लेना। तुम्हारा हमने हर लिया। बलिहारी गुरु आपने, यहां है गुरु की प्रशंसा, इसलिए है गुरु की प्रशंसा कि उन्होंने गोविंद की, ईश्वर की वास्तविकता मिटा दी, वास्तविकता बता दी और भ्रम मिटा दिया। जो ईश्वर तुम अभी तक बाहर खोज रहे थे, किसी दूसरे लोक में खोज रहे थे, गुरु ने बता दिया कि जिसे तुम बाहर खोजते थे वो बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, बस बात खत्म। यह जो साखी है वह ईश्वर का अस्तित्व बताने के लिए नहीं कही गई है, लेकिन यह समझाने के लिए की गई है कि जिसे तुम अब तक बाहर खोजते थे, ईश्वर ईश्वर कहकर के पुकारते थे, उससे ज्यादा महत्व तो गुरु का है। बाहर के ईश्वर का भ्रम गुरु मिटाते हैं, इसीलिए कबीर साहब ईश्वर के पहले, गोविंद के पहले गुरु को स्थान देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, पहले गुरु हैं फिर गोविंद हैं। और यह बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कबीर साहब ने गोविंद भी कहा है, हरि भी कहा है, राम बहुत बार कहा है, सारंग पाणी कहा है, केशव करीम हजरत, इन सब नामों का संबोधन उन्होंने, इन नामों का उपयोग किया है, लेकिन इनका जो सही अर्थ है वह है आत्माराम। तो कबीर साहब गुरु के साथ गोविंद को खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब है वो गुरु को स्थापित कर रहे हैं, ना कि गुरु का महत्व कम करके वो गुरु को स्थापित कर रहे हैं, गोविंद को स्थापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
गोविंद तो पहले ही स्थापित थे, कबीर गुरु को गोविंद के साथ खड़ा करते हैं और बताते हैं कि गुरु का मूल्य इस बात को लेकर के है कि वो बाहर के गुरु का भ्रम तोड़ते हैं। इसलिए इस साखी को कबीर साहब की जो अन्य साखियां हैं वहां से जोड़ करके पढ़ा जाना चाहिए। रोग शरीर को होता है। अगला प्रश्न, किंतु उस दुख का अनुभव जीव को होता है, तब चिकित्सा किसकी की जाए, शरीर की या जीव की? शरीर रोगी होता है और शरीर का दर्द, शरीर की पीड़ा जीव के अनुभव में आती है, तो चिकित्सा किसकी की जाए? प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है शरीर की या जीव की। भाई रोग जहां है चिकित्सा भी वहीं करनी होगी। शरीर में रोग लगता है तो चिकित्सा भी शरीर की करनी होगी। आत्मा को रोग नहीं तो आत्मा की चिकित्सा नहीं। शरीर संबंध से जीव अपने को रोगी मानकर दुखी होता है। साहब लिखते हैं, जिसका मोह शरीर के प्रति जितना ज्यादा होगा, शरीर में रोग लगने पर वह उतना दुखी एवं पीड़ित होगा, और जिसका देहाभिमान और देह मोह मिट जाता है, शारीरिक रोग होने पर भी वह शांत रहता है, शरीर को पीड़ा होने पर भी उसका मन पीड़ित नहीं होता। एक विचारक कहते थे, वह साधु क्या जिसे रोग लगे। एक विचारक हैं, योग करते कराते हैं, वो कहते थे जो रोगी हो उन्हें मैं साधु नहीं मानता, साधु रोगी नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। मकान कोई कितना भी कीमती बनवाए, कोई बेहतरीन डिजाइनर ले आए और बेहतरीन सामानों का प्रयोग करे और अच्छा महल बनवा ले, लेकिन एक उम्र के बाद वो महल पुराना होता है, वो कमजोर होता है, वो गिरता है, भले ही अच्छे सामान और अच्छे कारीगर की वजह से उसमें धीरे धीरे गिरावट आती हो, लेकिन गिरावट आना स्वाभाविक है, यह नियम है। और महल क्या, किले जिनकी दीवारें इतनी चौड़ी होती हैं कि पूरा ट्रक उनके दीवारों से निकल सकता है, वो किले भी गिरते हैं। तो किसी का भी शरीर हो, उसमें रोग आते हैं, पीड़ा होती है, उनका निदान कराना होता है, कभी कभी दवा काम कर जाती है और कभी कभी शरीर का छूटना ही दवा हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि साधु को रोग नहीं लग सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई ज्ञानी का शरीर बाथरूम में नहीं छूट सकता,
किसी ज्ञानी का शरीर नाली में नहीं छूट सकता, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता है। ज्ञानियों को नाली में मरते हुए देखा गया है, भक्तों को, संतों को, जीवन मुक्तों को रोग से पीड़ित होकर के शरीर छोड़ते हुए देखा गया है। शरीर में रोग है, है, इलाज चल रहा है, नहीं उबर पाए, सिर्फ एक चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए। शरीर संबंध जितना गहरा होगा, जितना ही जीव अपने को शरीर मानेगा, उतना ही वह शरीर के संबंध में दुखी और सुखी होगा। जिसका शरीर के प्रति राग ज्यादा है, शरीर में रोग लगने पर वह उतना ही अधिक दुखी एवं पीड़ित होता है। और जिसका देह मोह मिट जाता है, शारीरिक रोग होने पर भी वह शांत रहता है। संसारी लोग कैसे कहा करते हैं, ऐसा शरीर लेकर के जीने का क्या फायदा है, बस दवा खाते रहो, दवा खाते रहो। वो कहते हैं ऐसा शरीर लेकर के जीने का क्या फायदा है, मर जाना चाहिए। एक बड़े डॉक्टर थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी पत्नी को घुटनों में दर्द की शिकायत थी। उस समय शायद रिप्लेसमेंट नहीं होता था, 25-30 साल पहले की बात है, या होता भी रहा होगा, वो तो खुद ही डॉक्टर थे। एक दिन न बच्चे थे और न डॉक्टर ही थे घर पर, उनकी पत्नी अकेले थी, बड़ा सा घर था, लोगों ने धुआं धुआं उठते हुए देखा। गए, दरवाजा तोड़े, अंदर गए, देखा वो लगभग महिला जल चुकी थी, मिट्टी का तेल डाल करके उन्होंने आग लगा लिया था, जब घर में कोई नहीं था। इस कदर वो परेशान हो चुकी थी अपने सिर्फ घुटनों की वजह से। हॉस्पिटल ले गए, 80% बर्न इंजरी, 20% बचा था शरीर का कुछ हिस्सा, उससे क्या होता है, 24 घंटे के अंदर ही दम तोड़ दिया। जितना ज्यादा शरीर से लगाव होता है, उतना ज्यादा दुख की अनुभूति होती है जीव को। तो रोग शरीर का है, दुख का अनुभव जीव को होता है, क्योंकि जीव का वास उसी शरीर में होता है। इसलिए जितना ही वह अपने आप को अलग करेगा, उतना ही उसकी पीड़ा कम होगी। गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का अर्थ, गुरु के अनेक अर्थ हैं। प्रसंग भेद से, प्रसंग भेद समझ रहे हैं, एक स्त्री है, वह स्त्री ही है 2400 घंटे के लिए, लेकिन प्रसंग भेद से उसके नाम बदल जाते हैं। जब वो पिता के पास अपने होती है तो बेटी हो जाती है, जब अपने पुत्र के पास होती है तो वो उसकी माँ हो जाती है, जब वो पत्नी के पास, पति के पास होती है तब वो पत्नी बन जाती है,
वही महिला जब सामान खरीदने जाती तो कस्टमर ग्राहक बन जाती है, है वो एक ही लेकिन प्रसंग भेद से उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। पानी एक है, वह कभी तालाब में होता है तो तालाब का पानी, पानी बाल्टी में भर करके कोई चलता है तो पानी उछलता रहता है, बाहर आने को उत्सुक रहता है, उदकता रहता है, इसलिए उसका एक नाम उदक हो गया। समुद्र में जाता है तो समुद्र का पानी, पानी तो पानी है लेकिन प्रसंगवश उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। वैसे ही गुरु के प्रसंग भेद से कई नाम हैं, उसे कई अर्थ हैं। जैसे गुरु का पहला अर्थ लिखा उन्होंने बड़ा, उस्ताद, जैसे बाजार में जाए और किसी के बारे में बात करें वो कहेंगे बड़ा गुरु है वो। गुरु का अर्थ ये नहीं कि वो मुक्त है, गुरु का मतलब बहुत होशियार है। वजनदार, महान, किसी विषय की सीख देने वाले को भी गुरु कहते हैं, विद्या पढ़ाने वाले को गुरु कहते हैं, दीक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान से हटाकर ज्ञान मार्ग में ले जाने वाले को भी गुरु कहते हैं। गुरु के अनेक अर्थ, यह प्रयोग करने वाले पर निर्भर है कि वह किस शब्द को किस अर्थ में प्रयुक्त करता है। सामान्यतः, अच्छा एक चीज और बताएं, अंग्रेजी में गुरु के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे उनके यहाँ गुरु उसे कहते हैं जो बच्चों को शिक्षा दे, या वो छोटे बच्चों को पढ़ाए या कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाए, वो सब जगह गुरु के लिए बोलते हैं टीचर। टीचर टीच माने पढ़ाना, जो पढ़ाने का काम करे वह टीचर। अंग्रेजी का जो स्वभाव है उसमें गुरु शब्द आता ही नहीं है। अगर आप सदगुरु लिख दें अंग्रेजी में और उसको गूगल पर सर्च करें तो जानते हैं क्या बताएगा सदगुरु को? सैड गुरु। सैड माने दुखी। वह गुरु जो दुखी हो वह सदगुरु है। उनके यहां संस्कार ही नहीं है कि गुरु कोई शब्द बनता है। वो हर चीज को दो ही शब्द बोलते हैं, या तो टीचर या तो प्रोफेसर। छोटे बच्चों को पढ़ाए तो टीचर, बड़ों को पढ़ाए तो प्रोफेसर, बस हो गया। इसीलिए जब उनको गुरु के लिए कोई शब्द प्रयोग करना पड़ता है हिंदुस्तान आके तो कहते हैं मास्टर। इंग्लिश में मास्टर का प्रयोग कर लेते हैं, और हमारे यहाँ मास्टर उसे कहा जाता है जो छठवीं सातवीं आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाए, उसे मास्टर कहते हैं। तो अंग्रेजी में गुरु के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं आता है। प्रिसेप्ट बोलते हैं ज्ञान को, प्रिसेप्टर कहते हैं ज्ञानी को। जैसे किसी को बारात में जाना हो और उसके पास अपने कपड़े ना हो तो कहेगा अपने बड़े भाई से, भाई यूरोप तो अपना कपड़ा दे दे। छोटे वाले से कहेगा भाई तू अपने पतलून दे दे मुझे, टाई दे दे, दो घंटे की बात है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके पास अपने कपड़े नहीं है। अगर अपने कपड़े होते तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा भाई कहेगा अरे मेरा कोट तुझको बड़ा पड़ेगा, तू छोटा है। कहे एडजस्ट कर लूंगा भाई, ऊपर ही पहनूंगा, चल जाएगा। छोटका कहेगा पतलून तुम पहनोगे वो छोटी पड़ेगी, चल चल दे दे, बैठूंगा नहीं, फटेगी नहीं। क्यों? उसके पास अपनी नहीं है। इसलिए गुरु के लिए अंग्रेजी में कोई एक शब्द है नहीं। वो उधारी का शब्द लेते हैं, कभी
टीचर कह देंगे, कभी प्रोफेसर कह देंगे, कभी मास्टर कह देंगे, लेकिन उनकी उनको समझ ही नहीं है कि गुरु कोई एक ऐसा होता है। जब कोई आदमी वहां बहुत दुखी होता है मानसिक पीड़ा से, जैसे कोई माँ है उसका जवान बेटा गुजर गया, बहुत पीड़ित है, तो ऐसा कोई नहीं होता है जिसके सामने वो सिर झुका करके रो सके, अपनी बात कह सके। क्या करते हैं, एक मनोविश्लेषक के पास जाते हैं, उसको $100 देंगे, $100 एक घंटे का, वो एक घंटे का समय देगा आपको, आपको जितना बताना हो बता लो, वो सुनेगा और कुछ अपनी बातें आपको बता देगा, बस आप रो रो करके हल्के हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे आदमी तो सुनने को भी तैयार नहीं है। ये एक महिला इलाहाबाद की हैं, वो अमेरिका रहती हैं, तो इलाहाबाद जब आती थी तो आश्रम आती थी, बुजुर्ग थी, उनका जवान बेटा नहीं रहा, यहां जब आश्रम आई तो उन्होंने कहा वहां साधु संत होते ही नहीं है कि जिनके पास हम जाएं, अपना दुख दर्द बताएं और थोड़ा हमारा मन हल्का हो, कुछ हमें समझाएं। वहां तो सीधे सीधे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उनकी फीस दे देते हैं, उनके समय पर हम पहुंच जाते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, वो सुनते हैं, कुछ समाधान बताते हैं, कुछ दवा देते हैं, और फिर हम चले आते हैं, फिर जरूरत पड़े फिर जाएं। वहां के समाज में ये है ही नहीं, इसलिए उनके यहां गुरु का शब्द ही नहीं चलता है। भारतवर्ष की जो परंपरा है, यहां जो सामान्यतः गुरु शब्द का प्रयोग है वह दो अर्थों में किया जाता है। पहला, समान विद्या पढ़ाने वाला, वह भी गुरु होता है, और दूसरा है आध्यात्मिक मार्ग में पथ प्रदर्शन करने वाला, जो शिष्य को दीक्षित करे, अपने पास रखे, उसे साधना की प्रेरणा दे। इसलिए गुरु के ये दो खास अर्थ हैं। इसको थोड़ा सा और साहब ने लिख दिया है, हर आदमी को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है और जीवन भर होती है, क्योंकि जीवन भर आदमी को कुछ ना कुछ सीखना होता है, जिससे हम किसी विषय में कुछ सीखें उस विषय में वह हमारा गुरु हो गया। लेकिन खास बात ध्यान देने लायक है, जिस गुरु के उपदेश से मन के दुख दूर हों, भ्रांतियां मिटें, सत्य का बोध हो, सांसारिकता छूटे, आत्मस्थिति की प्रेरणा मिले और जीवन में शांति उतरे, वह सर्वोपरि गुरु है, उसे ही सद्गुरु कहा जाता है। गुरु अनेक हो सकते हैं, और जो आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने वाला जो सद्गुरु है वह एक होता है, क्योंकि उसके उपदेश से सारे भटकाव समाप्त हो जाते हैं। भारत अपने गुरुओं के लिए बहुत पहले से जाना जाता रहा है। कहते हैं कि सिकंदर जब भारत पर आया तो उसके गुरु ने कहा था कि हिंदुस्तान में साधु होते हैं, तुम एक साधु को अपने साथ लेकर के आना, एक साधु लेकर के आना। अब वो साधु, साधुता का रुझान था तो साधु बुलाया था, तो सिकंदर एक सन्यासी से उसका पाला पड़ा और उसने कहा कि तुमको चलना होगा, मेरे देश चलना होगा,
उसने कहा नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं जाओगे तो मार दूंगा। बोले बिल्कुल मार दो, ये कौन सी बड़ी बात है, मरना तो है ही है, उसमें क्या है, मार दो। तो पहली बार उसको समझ में आया कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो जानते ही नहीं कि मरना क्या होता है, वो डरते ही नहीं है। और अभी भी विदेशों में यहां जिनको कोई नहीं पूछता है वो थोड़ा अंग्रेजी फंग्रेजी बोल के विदेश चले जाते हैं और वहां गुरु हो जाते हैं और वहीं फिर वो अपना आश्रम बना लेते हैं, वहीं रह जाते हैं, वापस नहीं आते। बोलते हैं हिंदुस्तान में तो हमारे जैसे लाखों हैं भाई, वहां धंधा चलता ही नहीं है, विदेश में ही ठीक है। एक महेश योगी करके जबलपुर में थे, महेश श्रीवास्तव नाम था, बाबू थे एक सरकारी विभाग में, ध्यान वगैरह कुछ किया करते थे। और संयोग एक बार कुछ ऐसा पड़ा कि जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, वहां विदेशी लोग बहुत आते हैं भेड़ा घाट देखने। संगमरमर की चट्टाने हैं, उन्हीं चट्टानों के बीच में नर्मदा बहती है, तो विदेशी लोग वहां देखने आते हैं। तो कुछ विदेशी उसकी तरफ पहुंच गए, उनको बड़ा अच्छा लगा, चुपचाप शांत मौन बैठे ना। तो जब वापस गए तो उन्होंने महेश श्रीवास्तव से कहा आप हमारे यहां आ जाएं, कुछ दिन हमको सिखाएं। और महेश श्रीवास्तव नौकरी करते करते परेशान हो गए थे, 20 साल छोड़ करके चले गए, वापस वो कभी आए ही नहीं महेश योगी, वहीं पर धंधा चलाते रहे। और बहुत बढ़िया धंधा चलता था, कभी कभी हिंदुस्तान आते तो हिंदुस्तान वाले कहते ये तुम क्या सिखाते हो भाई, ये तो हमारे यहां सब लोग पेड़ों के नीचे बैठ कर लेते हैं। तो यहां उन्हें कभी महत्व नहीं मिला, तो बहुत कम आते थे। जब मरे विदेश में ही मरे तो शरीर यहां लोग ले आए उनका। तो जिनको हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछता था वो बाहर जाकर के सिद्ध हो गए, क्योंकि उनके यहां गुरुओं की परंपरा ही नहीं है, संतों की परंपरा ही नहीं है, इसलिए उनके यहां ये शब्द ही नहीं चलता है। और हमारे यहां तो गुरु को मां के साथ जोड़ करके रखा गया है कि मां है जो जन्म देती है और गुरु है जो ज्ञान से संस्कारित करते हैं। मैं एक पुरोहित महंत का पुत्र हूं, किसी ने एक प्रश्न भेजा है। मेरे पिताजी महंत हैं और पुरोहिताई करते हैं, उसमें मेरा मन नहीं लगता क्योंकि उसमें बहुत सी बातें आडंबरपूर्ण और अंधविश्वासपूर्ण हैं। मुझे वह विचारधारा अच्छी लगती है जो तर्कपूर्ण हो, विज्ञान सम्मत हो। कबीर साहब का पारक ज्ञान मेरे हृदय के बहुत निकट है, आप बताएं मैं क्या करूं। पिता की बात नहीं मानता हूं तो घर में रहना मुश्किल है, और पिता की बात मानता हूं तो मेरा मन अशांत रहता है, मुझे ना उनकी बातों में विश्वास है ना श्रद्धा। कर्मकांड पुरोहिताई करवाने में रुझान नहीं, बताइए कैसे करूं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की आज्ञा माने, उनके बताए अनुसार चले,
लेकिन यदि पिता की आज्ञा गलत है तो पिता को आदर सम्मान देते हुए भी पिता की ऐसी आज्ञा न मानना ही हितकर है। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चे उनके अनुसार चलें, उनके ही रास्ते का अनुसरण करें, रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। कई बार तो माता पिता जबरदस्ती मनवाने का हट करते हैं। ऐसी स्थिति में पुत्र भले ही मर्यादावश कुछ न कहे, लेकिन फिर उसके मन में माता पिता के प्रति भाव नहीं रह जाता। हर मनुष्य को ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जो विवेक सम्मत हो, कारण कार्य व्यवस्था और वैज्ञानिक तथ्यों पर जिसमें बल दिया जाता हो और हर बात परख कर स्वीकार की जाती हो। चमत्कार, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, पूजा पाठ, इनके बल पर पाप कटने और स्वर्ग पाने का झांसा ना दिया जाता हो। यदि पिता गलत रास्ते पर चलने के लिए पुत्र पर दबाव बनाए तो पुत्र को चाहिए कि वह पिता को आदर दे, उनके सम्मान की रक्षा करे, लेकिन बता दे कि वह उनके अनुसार क्यों नहीं चल सकता। पिता तत्काल भले रुष्ट हो जाएं, लेकिन अंत में वे शांत हो जाएंगे। यह समझना होगा कि सतपथ पर चलने वालों को सब समय घर परिवार समाज के विघ्नों को सहन करना पड़ा है, लेकिन कल्याण सही रास्ते पर चलने से ही है। ज्योतिराव फुले माली जाति के थे। उनका फूलों का व्यापार था, इसलिए उन लोगों को फूले फूले कहा गया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए इतनी मेहनत की, लोग कहते भाई तुम पढ़ो लिखो, तुम स्त्रियों को पढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हो, तुमको क्या मतलब स्त्रियां पढ़ें ना पढ़ें। ज्योति फुले कहते स्त्रियों को पढ़ा देने का मतलब होता है कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी को पढ़ा देना। अगर मां पढ़ी है तो फिर बच्चे भी पढ़े होंगे। और इस काम में वो इतना तत्पर होकर के लगे कि पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, वह सीखी पढ़ना और लिखना, और पति पत्नी दोनों मिलकर के फिर महिलाओं को पढ़ाते, दिन भर काम करते शाम को पढ़ाते, फिर काम छोड़ दिए, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने लगे। ब्राह्मण लोग आए कहते अरे हम लोग तो ज्ञान के अधिकारी हैं, हमने कभी स्त्रियों को नहीं पढ़ाया, ये माली पढ़ा रहा है। उसके पिता से कहा ये क्या कर रहा है, समझाओ अपने बेटे को। पिता ने कहा या तो तुम घर पे रहोगे और पढ़ाने का बहुत शौक है तो घर छोड़ दो। अपनी पत्नी को लेकर के वो आदमी चला गया, एक मकान में किराए पर रहने लगा, किराए के बदले वह उस घर के बच्चों और स्त्रियों को पढ़ाने लगा और वहां पर एक विद्यालय चलाने लगा। और कितना संघर्ष किया, पिता के हिस्से का उनको कुछ नहीं मिला, फिर ठेकेदारी शुरू किया और अंग्रेजी राज में उन्होंने इतना मजे का पैसा कमाया कि तीन तीन मकान हो गए उनके उसी गली में। और पूना के कमिश्नर बने, वो पहले कमिश्नर वो बने। उन्होंने नियम बनाया कि सड़कों को साफ रखो, अपने घर का कचरा बाहर मत फेंको, एक गाड़ी आएगी वो कचरा लेकर के जाएगी,
पहली बार उस आदमी ने नियम बनाया और जीवन भर वो सहता ही रहा ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का सहा, अपने माता पिता का सहा। उसके पिता ने लिख दिया था, मैं मरूं तो ज्योति राव से मेरा अंतिम कर्मकांड मत करवाना। नहीं किया उन्होंने, पिता ने लिख दिया था, वसीयत में कुछ नहीं दिया उनको, नहीं लिया और जीवन भर सहा। तो पिता या माता कोई भी हो, अगर गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे तो गलत रास्ते पर ना चले, क्योंकि अंततः उसमें नुकसान ही है। जिस विचारधारा में चलो वह वैज्ञानिक हो, कारण कार्य व्यवस्था वाली हो। एक प्रश्न फिर आ गया घूम फिर करके, किसी के मरने पर श्राद्ध क्यों किया जाता है, पिंडदान का क्या महत्व है? श्राद्ध दो कारणों से किया जाता है। पहला, लोक व्यवहार निभाने के लिए, और दूसरा अंधविश्वास के कारण। श्राद्ध का जो अर्थ होता है वह है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म, वह कर्म जो श्रद्धा से उपजा हो। कैसी श्रद्धा? कोई व्यक्ति मर गया हो, अपने पीछे वह कुछ संपत्ति घर द्वार छोड़कर जा रहा है, उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हें वह संपत्ति बिना परिश्रम के मिल जाती है, तो परिवार वालों का कर्तव्य है कि उस पूरी संपत्ति का केवल अपने लिए उपयोग न करें बल्कि उसका कुछ अंश समाज कल्याण में, दीन दुखियों की सेवा में और पवित्रात्मा संतों की सेवा में लगाएं। यही श्राद्ध का असली अर्थ है, लेकिन लोग इसको भूल गए हैं और वो श्राद्ध के नाम पर दिखावा, आडंबर और अंधविश्वास में पड़े रह गए। अब देखें, सुने इसको, किसी के मरने पर जाति बिरादरी वाले तथा बहुत से लोगों को खिलाना, महाबामन बुलाकर तमाम वस्तुएं न चाहते हुए भी और न शक्ति होते हुए भी देना, यह श्राद्ध नहीं है, यह कुप्रथा है। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर श्राद्ध करने से तथा गया प्रयाग इत्यादि में पिंडदान करने से परलोक में शांति मिलेगी या महाब्राह्मण को यहां दी गई वस्तुओं से परलोक में मिल जाएंगी, यह केवल अंधविश्वास है। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर यहां चाहे जो कुछ दो, जो कुछ करो, उसे अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यह तो केवल पुरोहितों का गोरख धंधा है। उसने अपने जीते जी जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। अब यहां इतनी दूरी से कुछ करके उसे न बंधन दे सकते हो और न बंधनों से छुटकारा दिला सकते हो। एकदम साफ साफ और स्पष्ट जवाब। समाज में जब कोई व्यवस्था ज्यादा अव्यवस्था पैदा करने लगती है तो लोगों के मन में उसके प्रति शंका होने लगती है। श्राद्ध पर इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि वो जो तेरहवीं करना है वो सब चीजें बहुत घट रही हैं। मुझे लगता है कि हम लोग शायद बचे रह जाएं देखने के लिए वो दिन कि एक ही दिन में सब निपटा दिया जाए।
सुबह किसी का शरीर छूटे और शाम तक खिला पिला करके सबको वो विदा कर दें, अगला दिन एक नया दिन होगा, कोई श्राद्ध कोई कर्मकांड नहीं बचेगा। जनता में जब चेतना जगती है तो सब लोग राजी होने लगते हैं। अब तो पंडित भी कहते हैं हाँ पांचवें दिन कर करो, तीसरे दिन कर दिया करो, पहले तेरहवीं 13 दिन तक का चक्कर था, अब पंडित भी बोलने लगे हाँ तीसरे दिन कर दो, दूसरे दिन कर दो। कुछ दिनों में कहेंगे अच्छा ना करो क्या हो गया। तो जनता में जैसे जैसे जागरूकता आएगी ये तमाम सारे कर्मकांड छूटते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, केचुली की तरह सांप की साहेब बंदगी साहब।